माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने सड़क परिवहन और राजमार्ग के अनुदान के मांग पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। साथ ही साथ इसका समर्थन भी कर रहा हूं इस मांग का, और मेरे लिए भावनात्मक क्षण भी है। मैं 15वीं लोकसभा का सदस्य रहा, 16वीं लोकसभा का सदस्य रहा, और यह पहला अवसर है कि अनुदान के मांग पर अंतिम वक्ता या कुछ है बोलने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए विशेष रूप से मैं अपने चीफ व्हिप डॉक्टर संजय जायसवाल जी को भी दिल से आभार प्रकट करूंगा कि 11वें वर्ष में 2-4 मिनट समय आगे की सेटिंग कर दी। मैं बात को नहीं रखूंगा, अपनी समस्या रखता हूं अपने क्षेत्र का। अगर आप अवसर देंगे तो कुछ और बातें रख पाऊंगा। इसलिए मेरा क्षेत्र धनबाद बोकारो है और 2 NH वहां से गुजरती है। 1 NH 2 जिसको पहले GT रोड कहा जाता था, उसके पहले शेरशाह सूरी पथ कहा जाता था, और इतिहासकारों ने उसको अशोक सम्राट अशोक ने बनाया। शेरशाह सूरी 4 वर्ष तक राज किए और कलकत्ता से पेशावर तक इतने लंबे दूरी में, उस जमाने में बैलगाड़ी का जमाना, वह उस जमाने में जा भी नहीं सकते, लेकिन शेरशाह सूरी पथ हो गया। अब शेरशाह सूरी पथ को NH में परिवर्तित है और 250 किलोमीटर झारखंड के क्षेत्र से चौपारण से शुरू होता है और बंगाल के बॉर्डर मेरे क्षेत्र मैथन में उसका अंत होता है। लेकिन एक भी ट्रामा सेंटर, कोई एक्सीडेंट रेट ज्यादा है, और एक भी ट्रामा सेंटर पूरे 250 किलोमीटर में नहीं है। हमारे क्षेत्र में बरवड्डा से लेकर मैथन 6 लेनिन बनना शुरू हुआ, लेकिन 2 वर्ष हो गए, वहां के ठेकेदार भाग गया और आज वह कहीं 1 किलोमीटर बना हुआ है, कहीं 2 किलोमीटर बना हुआ है, कहीं टूटा हुआ है पुरानी रोड, तो उसको ठीक करवाने का काम करें। धनबाद, जहां से NH धनबाद के कोर्ट कचहरी स्टेशन मुख्य बाजार से होकर गुजरती है, वहां बाईपास नहीं है, और यह बाईपास की मांग बहुत दिनों से उठ रही है, लेकिन बाईपास नहीं है। इसको यह मांग की तौर पर रखता हूं। धनबाद में रिंग रोड आज से नहीं, कब से पास है वो, लेकिन वह रिंग रोड अभी तक काम नहीं शुरू हुआ है। इस अभी दक्ष मंत्री हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विभाग को, क्योंकि दुनिया का यह दूसरा देश है जहां सबसे ज्यादा सड़क है, 80% यहां पर परिवहन, चाहे माल परिवहन हो या सवारी पर, वह 80% परिवहन वह सड़क मार्ग से है। अब वैसे जगह पर हमारे यहां जिस समय 10-20 गाड़ियां होगी, कुछ बैलगाड़ी होगा, टमटम होगा, उस समय रेलवे के अंडर ब्रिज बना, लेकिन आज तक उसका पॉपुलेशन उस समय 10,000 होगा जिस समय बना, और आज वह 10 लाख का शहर है, लेकिन वहां अंडर ब्रिज के लिए लगातार इस सदन में भी उठा रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं, लेकिन इससे भी आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द वह काम पूरा हो जाए। एक बहुत प्रमुख सड़क हम अपनी मांग रख रहे हैं, कोई भाषण नहीं दे रहे हैं, खाली अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं इसलिए, और यह मैंने जैसे कहा कि यह मेरे लिए भावनात्मक क्षण भी है। नए सदस्य आए होंगे, पहला अवसर मिला होगा, वह उनकी भी सोच रही होगी कि हम
दो मिनट बोल लें। हमारे चुनाव में हमारे प्रतिद्वंदी हमारे पार्टी के थे, कांग्रेस में गए और कहे कि इन्होंने बोलने का काम नहीं किया, मैंने इतनी बार बोला। यह दूसरी बात है कि वह 5 लाख के वोट से हार गए, यह लेकिन यह मीडिया के सामने रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सवाल को उठाया। तो मैं बोलना तो चाहता था लेकिन यह अवसर ही मिल गया, यह बहुत काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद।